हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं तुंगनाथ मंदिर जा रहा हूँ, जो कि पंच केदार में से तृतीय केदार है। और अभी तो हम चोपता से ऊपर आ गए हैं, मतलब लगभग ट्रैक तो हो ही गया है। और देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बर्फ़ से बिल्कुल एकदम ऐसा लग रही है कॉटन की खेती की हुई है जैसे किसी ने। पूरी बर्फ ही बर्फ है सब जगह, वो भी इस टाइम पे। और ठंडा भी बहुत ही हो रहा है यहाँ पे। तो अभी जो ये तुंगनाथ मंदिर है, इसकी जो ऊंचाई है 3460 मीटर पर बना हुआ है। और ये जो पंच केदार हैं उनमें से भी सबसे हाईएस्ट पे है। तो अभी हम पहुँच गए हैं तुंगनाथ में। और देखो ये मंदिर है यहाँ से, और सामने चोटियाँ भी दिख रही हैं। ये तो वहाँ भी पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, देखो आप ये कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ से। ये देखो आप, ये है मंदिर तुंगनाथ का। लो आप लोग भी करो यहाँ से दर्शन, करवाता हूँ आपको। और ये बगल में जो है नंदा देवी का मंदिर है, और ये भगवान भोले शंकर का है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से ऊपर चंद्रशिला जा रहे हैं, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है। और रास्ता तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है रास्ता पूरा। और फिसलन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बर्फ़ हार्ड हो रखी है ना एकदम से। देखो तो बस अब देखो, हम ये चंद्रशिला पहुंच गए हैं। देखो यहाँ से कितना सही सा लग रहा है ना, कहीं बर्फ़ पड़ी हुई है, कहीं बिल्कुल एकदम सूखा सा दिख रहा है। देखो आप, तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।